इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मोदी मंत्रिमंडल के नए मंत्री शपथ लेने के अगले दिन ही फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने अपने मंत्रालय का काम संभाल लिया है। हमारे रिपोर्टर्स ने मंत्रालय में चार्ज संभालने के बाद मंत्रियों से उनके प्लान और विजन को जाना। सबसे पहले बात देश के नए रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। आज चार्ज लेने के बाद अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर बड़ा बयान दिया। वैष्णव ने कहा कि सभी को हर हाल में कानून मानना पड़ेगा और ट्विटर को भी देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। मिनिस्टर ऑफ आईटी हमारे साथ है, रेलवे भी है। सर, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो आपके पास है, 3 बड़े मंत्रालय आपके पास है। किस तरह से आपके सामने चैलेंजेस हैं और इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से आभार करता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने के लिए। सर, आपने आईटी का जो कार्यभार संभाला है, ट्विटर के साथ लैंड ऑफ द लॉ को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? मेरे हिसाब से भारत में जो भी व्यक्ति है, जो भी कंपनी है, सबको देश का कानून मानना ही चाहिए और मानिए। आपने एमएनसी भी संभाली है, वॉटन से एमबीए किया है, आईआईटी की पढ़ाई की है, रेलवे भी आपके पास है, तो रेलवे में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? रेलवे के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है, उस विजन को इंप्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले 7 सालों में बहुत काम हुआ है, उस काम को आगे ले जाना है। प्रायोरिटी क्या होगी? सेफ्टी प्रायोरिटी रहेगी, मॉडर्नाइजेशन रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति है उसकी जिंदगी में रेलवे के द्वारा क्या चेंज आता है वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जो कह रहे हैं कि सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ताकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक उन सेफ्टी का फायदा पहुंच सके। कैमरामैन विजय मंगई के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। और बड़े मंत्रियों में जिन लोगों ने आज चार्ज लिया है उनमें किरण रिजिजू भी हैं। किरण रिजिजू ने काम संभालने के बाद कहा कि कानून मंत्री की जिम्मेदारी बड़ी चुनौती है और वो भरोसे पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। रिजिजू ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन मिला है। इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपनी टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई मंत्रियों के विभाग भी बदले गए हैं। गिरिराज सिंह को पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रालय में चार्ज लेने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय देश की आत्मा है और वो प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे को लागू करेंगे। गिरिराज ने कहा कि मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरना चुनौती है। उनसे बात की गुनी करोड़ा ने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, जिन्हें इस वक्त पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, गिरिराज जी सबसे पहले तो बधाई आपको, और इस नए मंत्रालय की इस नई जिम्मेदारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर आदमी यही पूछ रहा है इतना बड़ा मंत्रालय। हमने कहा जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, जिम्मेदारी है। और जो मोदी देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता मोदी जी 20 घंटा 22 घंटा काम करो, पता नहीं सोते हैं कि नहीं सोते हैं ये भी नहीं पता। ये उनके सपनों को साकार करना, उनके उम्मीदों पर खरा उतरना, यही मेरे लिए चुनौती है। खास तौर पर आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया और प्रधानमंत्री का फोकस ग्रामीण विकास पर काफी ज्यादा रहता है कि गांव में सब सुविधाएं पहुंचे, तमाम ऐसी योजनाएं जो गांव के लोगों के लिए फायदेमंद है वो लाई गई हैं। अब आप कैसे उनके विजन को आगे लेकर जाएं? देखिए, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायती राज है, ये देश की आत्मा है। अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों को आवास दूंगा, प्रधानमंत्री सड़क की योजना है। अब जो लैंड होल्डिंग है उसको डिजिटल के माध्यम से जोड़ना, ये भी हमारे लिए चुनौती है। हमारे लिए चुनौती है 7 करोड़ से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर हैं हमारी बहनें, उनको
कैसे और बेहतर करना, 70 लाख उनके से ऊपर उसके यूनिट है, उसको और बेहतर कैसे करना। मेरे लिए है कि वहाँ गांव में कैसे रोजगार के अवसर हो, उनको कैसे ट्रेन करना। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में मीनाक्षी लेखी को विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। मीनाक्षी लेखी ने इसके लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ ब्रांड इंडिया, ब्रांड मोदी है और वो पूरी निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाएंगी। मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ है। मैम, मंत्रिमंडल में आपको स्थान मिला है, किस तरह से देखती हैं आप इस जिम्मेदारी को? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय नड्डा जी और पूरी टीम जिसने भी सिलेक्शन के हिस्से थे उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि उन सबने मुझे इस जिम्मेवारी के लायक समझा, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मेरी जो प्रतिज्ञा है उसका एक एक शब्द पूरा किया जाएगा पूर्ण निष्ठा के साथ, इसकी भी मैं आपको गारंटी देती हूँ। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में आपको MS मिला है, क्या प्रायोरिटीज होंगी, क्या आपको लग रहा है चुनौतियाँ होंगी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री? देखिए, कोई भी काम है हर काम की अपनी चुनौतियाँ रहती हैं और चुनौतीपूर्ण जीवन अगर निर्वाह किया हो तो चुनौतियों से नहीं, कल्चर भी है। तो क्या ब्रांड मोदी आपके साथ है, ब्रांड इंडिया आपके साथ है, तो आपका काम थोड़ा आसान होगा? बिल्कुल, ब्रांड मोदी और ब्रांड इंडिया, मतलब ब्रांड इंडिया को बनाने का जो काम है वो सभी का है और ब्रांड मोदी जो उस काम में लगे हैं वो खुद हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये हम राहत है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर MOS मीनाक्षी लेखी कह रही है कि हमारे पास ब्रांड इंडिया है, ब्रांड मोदी है और इन दो फैक्टर्स ने मेरा काम आसान कर दिया है। कैमरामैन विजय मुंबई के साथ पवन नारा, इंडिया TV। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर रहा, जहां से 7 नए मंत्री बनाए गए हैं और आगरा से बीजेपी सांसद SP सिंह बघेल को कानून और न्याय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई है। SP बघेल खुद भी लॉ ग्रेजुएट हैं। SP बघेल ने कहा है कि मंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार है और वो PM की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मिनिस्ट्री में किरण रिजिजू साथ होंगे और प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है और इतना बड़ा बहुमत और सहयोगी दलों के बावजूद मंत्री बनाया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करूँगा और अपनी पूरी ईमानदारी, कर्मठ और लगन के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। दोनों एक साथ होंगे पूरी तैयारी के साथ, जो लीगैलिटीज, लीगल सिस्टम या जो कानून है उसके प्रति काम करने की पूरी तैयारी। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे केंद्रीय मंत्री आज चार्ज ग्रहण कर रहे हैं, इस मौके पर मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला। मैं उनको चार्ज दिलाने में सहयोग करने के लिए उनके यहाँ आया हूँ और 2004 से मैं 12th पार्लियामेंट से हूँ, 2004 से माननीय मंत्री जी के साथ रहने का और काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और बाय द वे मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो टीम स्पिरिट से काम करेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का निर्देश रहेगा, वो माननीय किरण सर का निर्देश रहेगा, हम लोग उस प्रकार से काम करेंगे जनहित में और राष्ट्रहित में। तैयारी पूरी है, पूरी तरीके से बैक होम और यहाँ भी सब जगह पूरी हर जगह, और दोनों लॉ ग्रेजुएट एक साथ कानून मंत्रालय संभालेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि वो बायोडाटा पढ़ा गया होगा, संयोग है कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैं एवज इन पुलिस, तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत से कानूनों को अकेडमी में पढ़ने का मौका मिला और 10 साल की पुलिस सेवा में उन कानूनों का पालन भी करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य है कि किरण जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। कैबिनेट विस्तार में यूपी पर खास जोर दिखा है और हर जाति के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व में मिला है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्र को भी गृह राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। उन्होंने पीएम मोदी और जेपी नड्डा का धन्यवाद किया। लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा टेनी अब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं और आपको गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अजय जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जी, धन्यवाद। आपको गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और सही मायने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को लेकर क्या आपने प्लान किया है, किस तरीके से पूरा आपका कार्यकाल रहेगा? देखिए, हमें एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं, हमारी पार्टी का निरंतर ये प्रयास रहता है कि सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा के अनुरूप तैयार किया जाए। और इस समय हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा
नेतृत्व हमारे देश को मिल रहा है आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सानिध्य में, जिनकी योग्यता और क्षमता की कोई सीमा नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तराखंड से सिर्फ अजय भट्ट को शामिल किया गया है। अजय भट्ट को टूरिज्म मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय भट्ट ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और अजय भट्ट ने कहा है कि कोरोना काल में टूरिस्ट प्लेस पर जो पर्यटकों की भीड़ हो रही है उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद अजय भट्ट साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके सामने दो बड़े विभाग आपको सौंपे गए हैं, आप किस तरह से आप तालमेल बिठाकर अपने काम को आगे ले जाने वाले हैं? हम तो सिपाही हैं, सर्वोच्च कमांडर हमारे मोदी जी हैं। 24 घंटे में से 22 घंटे 20 घंटे वो काम करते हैं देश के लिए, उन्हीं का अनुकरण करके हम सब चलने वाले हैं आगे को, और चलते भी हैं। और कार्यकर्ता भी इसी आधार से हमारे काम करते हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे संगठन में हो। इसीलिए आज हम विश्व की नंबर एक की पार्टी बने हैं और दोबारा बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत कर केंद्र में भी आए हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकताएं पहले से फिक्स हैं, उसी आधार पर हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे हर क्षेत्र में। हम देख रहे हैं कि जो तमाम जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी से ही भीड़ होने लगी है, और वो भी उस वक्त जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। मनाली की बात कर लें, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। नहीं, सभी जगह भीड़ है, मसूरी फुल हो गया, नैनीताल में जगह नहीं मिल रही है, मनाली है, रानीखेत है, कौसानी है, सब जगह का इसी तरह का हमें पता लगा है कि जगह जगह बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। वैसे तो आर्थिक दृष्टि से ये बहुत अच्छी बात है। अब जो जो कोरोना घट रहा है, लोगों में आत्मविश्वास भी आ रहा है, लोग आ भी रहे हैं। जहां उनके जो टेस्टिंग होती है वहां आने से पहले हम लोगों ने वो टेस्ट कराना अनिवार्य रखा हुआ है। इसी तरह से हर स्टेट ने अपने अपने मापदंड रखे हुए हैं और इसका ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना की थर्ड लहर आ सकती है और कोरोना से बचना जरूरी है। पदभार संभालते ही आपके सामने चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, हम तो सिपाही हैं। देशभर में कृषि कानून के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं और मोदी सरकार की नए कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि हम किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे हमारे साथ हैं। मैम, नई जिम्मेदारी मिली है, क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, योर प्रायोरिटीज? किसान को कुछ करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। तोमर जी को साथ मिलके हम पूरा देश घूमेंगे, किसान को बताएंगे हमारा सरकार क्या करने वाले हैं, किसान का भलाई के लिए हम क्या करेंगे। वो पूरा किसान को विश्वास देने का, विश्वास लेने का काम हम करेंगे। लेकिन मैम, जो पिछले कई महीनों से जो किसान हैं धरने पे बैठे हुए, तीनों जो एग्रीकल्चर लॉज है उसको लेकर, उनको कैसे मनाएंगे आप? ये तीनों बिल्स किसान का भलाई के लिए है। उधर धरने पे बैठने वाले वो किसान, मुझे विश्वास नहीं है वो किसान है, क्योंकि किसान हमारे गांव में किसान वो तो इसको स्वागत किया है, अच्छा बिल है ऐसे बता रहे। ये किसान का नाम पे राजनीति हो रहा है, इसीलिए उसको समझाने का मतलब ही नहीं है। तो फिर लेकिन इनको समझाएंगे कैसे आप? ये तो कई महीनों से यहाँ डटे हुए हैं और ये कहने की जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे ये लोग। हमारा सरकार कोशिश किया है उसको समझाने के लिए, अभी भी हम कोशिश करेंगे, अगले समय में भी, आने वाले समय भी हमारे तोमर जी और बाकी लीडर्स ने कोशिश करेंगे। इस बीच मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी संगठन से आए भूपेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भूपेंद्र यादव को वन और पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। थोड़ी देर पहले भूपेंद्र यादव ने अपने मंत्रालय का चार्ज लिया। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो गंभीरता से निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है और जो उन्होंने भरोसा देकर के जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। अभी मैं मंत्रालय के सब अधिकारियों से मिलने के बाद अपने दायित्व को जो उन्होंने सौंपा है पूरी गंभीरता से निभाऊंगा। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए अब तक की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।